मधुबाला और सीरियल बदलते रिश्तों का जैसे एक से बढ़कर एक शोज देकर अपने हर किरदार से दर्शकों के दिलों को जीतने वाली अभिनेत्री हैं दृष्टि धामी, जिन्होंने अपने सफल मुकाम को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते ही हासिल किया। तभी तो आज इन्होंने भले ही कुछ समय के लिए अपने करियर को ब्रेक दे रखा हो, पर आज भी दर्शक इन्हें नहीं भुला पाए हैं, जिनके बीच इनका क्रेज आज भी पहले की तरह ही कायम है। लेकिन दोस्तों, आप इनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो काफी कुछ जानते हैं, पर शायद ही आप इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानते होंगे कि इनकी लव स्टोरी और मैरिज स्टोरी क्या रही है, इन्होंने किस शख्स से मोहब्बत की और कैसे रही इनकी ये प्यार की दास्तां, और इन्होंने किस शख्स से शादी की और कैसे चल रही है इनकी मैरिज लाइफ। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं अभिनेत्री दृष्टि धामी की लव स्टोरी और मैरिज स्टोरी के बारे में बताकर। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं इनकी पर्सनल लाइफ से। लेकिन इससे पहले इस खूबसूरत अदाकारा के लिए एक लाइक तो बनता है। साल 2007 में आए शो दिल मिल गए में डॉक्टर मुस्कान का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री हैं दृष्टि धामी, जिन्होंने एक नॉन फिल्मी और कंजर्वेटिव फैमिली से आने के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा ही अपने हर एक किरदार को परफेक्टली पर्दे पर उतारा, और इसी के चलते ने इस शो के बाद इनके करियर में कई शोज के ऑफर आते रहे, जिन्हें अपना कर इन्होंने कई और शोज दिए, जिनमें गीत हुई सबसे पराई, परदेश में है मेरा दिल और मधुबाला जैसे नाम शामिल हैं, जिनको करके आज ये सफलता के शिखर पर पहुंच चुकी हैं, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनके लव स्टोरी के बारे में, तो आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इनके लव लाइफ की शुरुआत इनके शो मधुबाला एक इश्क एक जुनून के सेट से हुई थी। और बता दें कि इनकी लव लाइफ के हीरो कोई और नहीं बल्कि इनके को स्टार विवियन डिसेना ही हैं, जिनसे इनकी मुलाकात इसी शो के दौरान हुई थी, जहां विवियन डिसेना ऋषभ कुंद्रा का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। वहीं दृष्टि धामी को मधुबाला के किरदार में देखा गया था और अपने इन्हीं किरदारों को पर्दे पर उतारने के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए। पर दोनों का ये रिश्ता कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि कुछ ही समय बाद दोनों के बीच में काफी ज्यादा नोकझोंक होनी शुरू हो गई, जहां एक बार तो इनके ईगो क्लैश इतने ज्यादा हो गए थे कि इसकी खबरें अखबारों में भी छप गई, और इसी के चलते दोनों ने ब्रेकअप करके एक दूसरे से दूरी बना ली। वेल, ये तो थी इनकी लव स्टोरी। अब बात की जाए इनकी मैरिज स्टोरी की, तो बता दें कि विवियन डिसेना से ब्रेकअप और दूरी बनाने के बाद दृष्टि धामी की जिंदगी में एंट्री ली नीरज खेमका ने, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे। बता दें कि दोनों की मुलाकात इन दोनों के ही एक कॉमन फ्रेंड ने कराई थी, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बन गए, जिनकी ये दोस्ती कुछ ही समय बाद प्यार में तब्दील हो गई, जिसके बाद दोनों ने कुछ ही समय के लिए एक दूसरे को डेट करने के बाद साल 2015 में एक दूसरे से शादी कर ली, जिनकी शादी को आज करीब 5 साल हो चुके हैं। और बीते 5 सालों में दोनों का प्यार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी गवाह इनकी ये तस्वीरें हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे दृष्टि धामी और नीरज खेमका की इस जोड़ी के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही झटपटी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।